दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं और हम वो आज वो यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं गुड़गांव हरियाणा में। शीतला माता के वो दर्शन करके आएंगे तो हम वो ट्रेन का सफ़र करेंगे। 250 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, 4 घंटों में हम वो पहुंच जाएंगे गुड़गांव, वहां पर शीतला माता के दर्शन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। ये देखिए गुरुग्राम आ चुका है, लंबी लंबी आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं टावर की तरह वो आसमान को छूती हुई। ये देखिए यहाँ पर वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और हम यहाँ पर आज शीतला माता के दर्शन करेंगे, आपको मैं वो वीडियो में दिखाऊंगा, अंत तक जुड़े रहना। यहाँ पर हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं गुड़गांव की, और ऊपर आप प्लेन देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से दिल्ली है वो तकरीबन 40 से 60 किलोमीटर ही पड़ता है, तो प्लेन है वो आसानी से दिख जाती हैं। तो अब हम मंदिर में वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। इधर वो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है मंदिर का, तो इधर वो टिन शेड वगैरह लगा कर रखे हैं और अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये ऊपर पुल बना रखा है, इसमें वो आपको जाना पड़ता है, बहुत भीड़ होती है। अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा है, तो हम वो जा रहे हैं क्योंकि हम वो रात के वक्त वो दर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए, वरना नवरात्र में दिन में बहुत भीड़ होती है। तो अब हम वो मुख्य मंदिर पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखा है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी सजावट कर रखी है। ये है माँ शीतला, तो हम वो यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे आज शीतला माता का। बहुत ही सुंदर तरीके से वो मंदिर में वो डेकोरेशन कर रखा है। ये मंदिर है वो तकरीबन 17वीं शताब्दी का है, महाराजा भरतपुर ने बनवाया था। तो ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है हरियाणा के गुड़गांव में। तो शीतला माता जिन्हें चेचक की देवी कहा जाता है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर है, इसका निर्माण हो रहा है। ये देखिए ऊपर कितने बड़े बड़े झूमर बना रखे हैं फूलों से, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन कर रखा है। और सामने आप वो माँ शीतला के दर्शन कर रहे हैं, चेचक की देवी माँ शीतला, इनका स्कंद पुराण में भी जिक्र आता है। ये देखिए इधर प्रसाद वगैरह हम वो चढ़ा रहे हैं और माँ के वो अच्छे से वो दर्शन कर रहे हैं। आज वो ज़्यादा भीड़ नहीं है, ऊपर आप वो देख सकते हैं, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। नवरात्र में हम सभी को ये अवसर मिल रहा है कि हम वो अपनी लोक देवियों के दर्शन करें और प्रमुख स्थानों पर वो विजिट करते रहें। तो आप वो मेरे साथ वो हरियाणा के गुड़गांव में माँ शीतला का मंदिर देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली से वो काफ़ी भक्त है वो नवरात्र में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अब हम दर्शन करने के बाद वो बाहर निकल चुके हैं मंदिर से, और बाहर भी है वो, इधर है वो काफ़ी है वो, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं वो लेकर बैठे हैं भगत है वो, अपने अपने हिसाब से आस्था के अनुसार है वो अपने मन की चाहे पूरी कर रहे हैं। ये मुंडन हॉल, यहाँ पर वो छोटे बच्चों का मुंडन होता है, यहाँ पर धागे वगैरह बांधे जाते हैं मन्नत के। तो अपनी अपनी आस्था होती है, अपना अपना विश्वास होता है, हमें किसी के भी विश्वास को, आस्था को वो दर्द नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि हम सभी की आस्था होती है ईश्वर में, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये आप वो मंदिर का दृश्य देख रहे हैं, मंदिर में बहुत ही अच्छे से वो शीशे से बारीकी से वर्क किया गया है, बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई थी। अभी आप वो बाहर के स्टॉल्स देख रहे हैं मेले की, ये देखिए बच्चों के वो कुछ वो खिलौने वगैरह मिल रहे हैं, गद्दा वगैरह मिल रही हैं, लेडीज आइटम्स मिल रहा है। तो मेले में वो इस प्रकार की शॉप्स बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मन मोहती हैं, कुछ ना कुछ खरीदने का मन अवश्य करता है। तो यह मंदिर के आप वो बाहर के स्टॉल्स देख रहे हैं, यहाँ पर मूर्ति वगैरह तस्वीर वगैरह मिल रही है। तो ये मैंने आपको शीतला माता के दर्शन करवाए हैं, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और अभी हम वापस चूरू जा रहे हैं, तो ये देखिए बाय बाय गुड़गांव, गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देख ली होंगी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर शहर है, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर